देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हम सबों के नेता, नौजवानों के भविष्य का दृष्टा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर यहाँ उपस्थित सभी हमारे साथीगण, दूर दूर से आए हुए किसान मजदूर भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, मीडिया के सभी साथियों, मैं आज प्रधानमंत्री जी बिहार में आगमन पर हम सब लोग न सिर्फ अभी आपका अभिनंदन करते हैं, बल्कि हम लोगों के बीच में कितनी खुशी है वो आप, ये सवेरे से मौसम खराब था उसके बावजूद भी मैं नहीं समझता हूँ कि आज तक के बिहार के इतिहास में इतनी बड़ी भीड़ हमने देखी है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री जी, पहले 13-14 महीना पहले आप यहीं मुजफ्फरपुर से आपने शंखनाद किया था। सारे के सारे लोग कह रहे थे कि बिहार में एनडीए को 15 सीट भी मिल जाए तो बहुत है, लेकिन आपने जो यहां से श्री गणेश किया और आपका व्यक्तित्व पूरे देश में, कोई भले कहे कि हमारे नाम पर, पार्टी के नाम पर, लेकिन एक व्यक्ति का करिश्मा था, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी, जिसके पीछे 3/4 सीट, 40 में से 31 सीट हम लोग बिहार में जीते और पूरे देश में 285 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला और सहयोगी दल को मिला करके 315 सीट से ज्यादा मिला। प्रधानमंत्री जी, 13 महीने में आज न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भारत का डंका बोल रहा है। हम 1977 से एमपी हैं, हमने देखा है बहुत सारे प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जब जाते थे विदेश में तो चौथा पेज, पांचवा पेज में कहीं फोटो आ जाता था, नाम निकल जाता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी, जितनी बड़ी भीड़ यहां है, आप सब साथियों ने देखा होगा, चाहे प्रधानमंत्री जी न्यूयॉर्क अमेरिका जाते हों, ऑस्ट्रेलिया गए हों, जापान गए हों, लंदन गए हों, या बगल में नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, लाखों की संख्या में लोग जो है ना सिर्फ देखने के लिए बल्कि भारत कहाँ जा रहा है सुनने के लिए आते हैं। कल तक दो देश हमारे ऊपर में डिक्टेट करता था, आज प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में भारत का शान बढ़ा है और वही देश आज आपसे बराबरी के साथ में हाथ मिलाने का काम करता है। प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में चुनाव हुए, लोकसभा के बाद चुनाव हुआ, जिन जिन राज्यों में चुनाव हुआ, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बगल में जो है यहाँ झारखंड हो, या जेएनके हो, या हरियाणा हो, सभी जगहों पर एनडीए की भारी जीत हुई है। साथियों, आज ये महागठबंधन कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा जनता परिवार का विलय होगा, हमने उसी समय में कहा था कि 7 जन्म में विलय होने वाला नहीं है। फिर इन्होंने कहा गठबंधन होगा, हमने कहा गठबंधन नहीं, लठबंधन होगा, और आज लठबंधन हो रहा है। आज कुछ दिन पहले आपने देखा होगा लालू जी ने कहा नीतीश जी के संबंध में, जब उनको नेता बनाया गया, मुख्यमंत्री चुना गया, तो कहा कि जहर पीना पड़ रहा है, और 2 दिन पहले नीतीश कुमार जी ने कहा रहीमन रहीम जी का कविता कहते हुए कि जो रहीम उत्तम प्राकृतिक का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। मतलब हम चंदन हैं और लालू प्रसाद यादव जो हैं विष हैं, जहर हैं, सांप हैं। एक कहता है सांप, दूसरा कहता है जहर, ये है इनका। ये सब लोग मिले थे बगल में झारखंड में, चुनाव हुआ था, कांग्रेस पार्टी, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, तीनों मिलकर के चुनाव लड़े थे
और एक सीट भी इनको नहीं मिला, एक सीट भी नहीं मिला। बिहार का ही अंग झारखंड है और वही हालत इनको जो है बिहार में भी होने वाला है। कारण इसका है कि बिहार में विकास नाम का कोई चीज नहीं है। एक सुई का कारखाना पर 10 साल नीतीश जी रहे प्रधान मुख्यमंत्री, 15 साल लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी जी रहे, एक सुई का कारखाना नहीं बन पाया। प्रधानमंत्री जी यहां से बगल में हाजीपुर है, हाजीपुर में पुल है, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला दो ही पुल है, एक हाजीपुर में है और एक मोकामा में है। दोनों पुल की हालत खराब है, टूटा फूटा पड़ा हुआ है। एक दो पुल नहीं जो बना पाया, वो बिहार की विकास की बात करते हैं। भाषण देते थे कि वोट नहीं बिजली नहीं तो वोट नहीं। नीतीश जी बिजली तो नहीं है, क्यों वोट मांगने के लिए आते हो? इन्होंने नारा दिया कि अगली बार हम सरकार में आएंगे तो शराबबंदी करेंगे। नीतीश जी 10 साल तक क्या कर रहे थे? 10 साल तक गांव गांव में शराब का दुकान इन्होंने खुलवाया, बच्चों के हाथ में किताब नहीं उनके हाथ में बोतल थमा दिया। हमारे गरीब भाई मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, स्कूल कहीं नहीं, गांव गांव में शराब का कारखाना। और अब कहते हैं कि हम दोबारा पावर में आएंगे तो हम शराब को क्या कहते, शराब बंदी का काम करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि ये जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। लालू जी नीतीश जी मंडल कमीशन के समय में मैं दलित वर्ग में पैदा लिया हूं, हमने साल हमारे पास में मंत्रालय था, हमने भूमिका अदा किया। आप क्या कर रहे हो, जिसको आप नेता मान रहे हो मुलायम सिंह यादव जी को, वो दलितों का विरोध कर रहा है। आप 25 साल से यहां पिछड़ों की सरकार है, 15 साल तक लालू राबड़ी जी की सरकार, 10 साल नीतीश कुमार की सरकार। ये 25 साल में आपने क्या किया पिछड़ों के लिए? आप जनगणना की बात करते हो, जिस दिन जनगणना का रिपोर्ट आएगा आपके ऊपर में लोग जो है थूकने का काम, क्रिटिसाइज करने का काम करेंगे। ये हमारा है, इस बिहार में नाई है, तेली है, तमोली है, लोहार है, कुम्हार है, बढ़ई है, मल्लाह है, निषाद है, बींद है, बनिया है, चौरसिया है, ततमा है, तांती है, कानू है, धानुक है, पाल है, चंद्रवंशी है। ये जो अति पिछड़ी जाति गरीब लोग हैं उनका जब कार्ड निकलेगा और जब आएगा जनगणना के रिपोर्ट में उनकी हालत बद से बदतर हुई है तो आपको मुंह छिपाने का भी जो है जगह नहीं रहेगा। हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, जीतन राम मांझी जी ने दोनों भाई को अलग कर दिया था, पासवान को छोड़ करके बकिए को महादलित बना दिया, कह दिया हर महादलित को 3 डिसमिल जमीन देंगे, रेडियो देंगे, साइकिल देंगे। कहाँ गया रेडियो साइकिल? रेडियो कुछ भाई को मिला होगा, ऐसा रेडियो मिला प्रधानमंत्री जी कि पटना लगाइए तो बीबीसी लग जाता है। ये इनका है, जितना खर्चा इन्होंने किया है साइकिल के ऊपर में उतना में मुजफ्फरपुर में जो है साइकिल का कारखाना जो है कह कहते हैं कि खिल जाएगा। रोज गाली देंगे, अखबार में नाम नहीं आता है, टीवी में नाम नहीं आता है, रोज गाली दो प्रधानमंत्री जी का क्रिटिसाइज करो, रोज जाकर के अमित शाह जी का क्रिटिसाइज करो। लालू जी नीतीश जी क्रिटिसाइज भी करते हो और जब मौका आता है फंक्शन में तो प्रधानमंत्री जी के साथ में परिवार के साथ में फोटो खिंचाने में भी गर्व महसूस करते हो। वहां प्रधानमंत्री जी अच्छे हो जाते हैं और बाद में खराब हो जाते हैं। श्री साथियों मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहुत हल्ला कर रहे हैं भूमि सुधार, हम अनशन करेंगे अनशन करेंगे। भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन भूमि अधिग्रहण कानून लागू हो जाएगा बिहार जो है सबसे ज्यादा फायदा यदि वरदान होगा तो बिहार के लिए होगा। मैं रेल मंत्री था, इसी मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी के बीच में हमने रेलवे लाइन की स्वीकृति दी थी। रेलवे जो लोग हैं वो बतलाओ कितना पैसा मिला था गरीब को, एक नया जो जमीन का हकीकत कीमत था वो भी नहीं मिला। कहीं भाषण पर हाजीपुर से सुगोली रेलवे लाइन लोग चिल्ला रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कहा कि तुम 1 एकड़ जमीन दो, 4 एकड़ जमीन लो, मार्केट रेंट से लो, 1 एकड़ जमीन का तुम देते हो हम 4 गुना मार्केट रेंट से पैसा देंगे।
बिहार में आज भी पलायन जारी है, बिहार का मजदूर बाहर जा रहा है। नीतीश जी ने कहा था 3 महीने के अंदर में हम लोगों को यहाँ लाएंगे। जिस दिन हमारा भूमि अधिग्रहण कानून हो लागू हो जाएगा, हर गांव में फैक्ट्री लगेगी, हर जगह पर स्कूल कॉलेज खुलेंगे, हर जगह पर जो है नए नए कारखाने लगेंगे। बिहार का बच्चा जो जाता है बम्बई में, दिल्ली में, दूसरे जगहों पर जाकर के गाली सुनने का काम करता है, उसको वहीं रोजगार मिलने का काम करेगा। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, प्रधानमंत्री जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। भूकंप हुआ था, मैं पिताजी के बरखी में अपने घर पर था। एक भूकंप के 5 मिनट के अंदर में प्रधानमंत्री जी का टेलीफोन आया। मैं सहरबनी में एक देहात में था। प्रधानमंत्री जी ने अपने सब मिनिस्टर को बुला करके कहा कि रामविलास जी, सबसे पहले सब काम छोड़ करके आप गरीबों को देखने जाइए। और हम लोग खगड़िया से शुरू किए, कटिहार से होते हुए उधर पूर्णिया, अररिया होते हुए रक्सौल तक यहाँ गए। ये प्रधानमंत्री जी का दर्द है। जो काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री थे उनको भी मालूम नहीं हुआ था, प्रधानमंत्री ने उनको बुलाने, उन्होंने बताने का काम किया। श्री साथियों, आप इन लोगों को छोड़ो, लालू जी कहाँ परे हुए हो। ये लालू जी को हम जानते हैं, इनका एक हाथ पांव पर रहता है, दूसरा हाथ गर्दन पर रहता है। पांव पकड़ने में भी देरी नहीं होता है, गर्दन में मोड़ने में भी देरी नहीं लगता है। गए थे नीतीश जी को कहने के लिए, पेट में दांत है, आज कहाँ हो गया। इसलिए ये बेमेल गठबंधन है, 25 साल तक आपने देखा है इन्हीं लोगों के हाथ में शासन था, फिर ये नारा लगा करके, बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा लगा करके लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। इसलिए भाइयों, मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा NDA का रथ का परिवर्तन रथ निकल चुका है। ये परिवर्तन रथ जो है 160 रथ आदरणीय जो है अमित शाह जी आए थे, उन्होंने पटना से शुरू किया था, और ये रथ का चक्का चल पड़ा है। ये विकास का रथ, विकास का चक्का है, इस चक्का को आगे बढ़ने दो। जो कोई रथ के चक्का के सामने में आएगा, रथ का चक्का उसके छाती पर होते हुए निकल जाएगा। लेकिन बिहार, बिहार का विकास रुकने वाला नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप यहां आए हैं, मैंने उस समय में भी कहा था, लोगों का आपके ऊपर में भरोसा है, विश्वास है, और मैं चाहता हूँ जो हमारे मुसलमान भाई हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, 5 साल के बाद आप जज करना। और अभी भी हम लोगों के पास में मुसलमान के नेता आते हैं, कहते हैं पासवान जी, साल भर में हम लोग कम से कम सुखचैन की सांस तो ले रहे हैं। ये लोग जो धर्म जात के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं, इसको आगे हटाओ और बिहार में जो है विकास की गंगा को बढ़ाने का काम करो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के जो है मार्गदर्शक हैं, विकास पुरुषा हैं, इनके नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाओ। और कुर्ता पहनाए हो तो पैजामा भी पहनाने का काम करो, ऐसा नहीं कि कुर्ता दूसरा रह जाए पैजामा नहीं रहे। और दोनों सरकार एक साथ चलेगी, बिहार में विकास की गंगा बहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, वहीं आप सभी भाइयों को, बहनों को इस अपार जन समूह में भाग लेने के लिए बधाई देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मित्रों,